नाजी, मैं आपका खिदमत गुजार होस्ट पत्रस मंजूर कल्याण और आज एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने YouTube चैनल बनाया है और इस YouTube चैनल पर हम नौजवानों के टैलेंट को शो करते हैं, नौजवानों के टैलेंट को प्रमोट करते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम नौजवानों के टैलेंट को शो कर रहे हैं, क्योंकि एक साल से हम अपने इस यूट्यूब चैनल से बहुत से नौजवानों के टैलेंट को प्रमोट कर चुके हैं, बहुत से नौजवानों के टैलेंट को शो कर चुके हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल है आमिर साहिवाल, मोहम्मद आमिर खान साहिवाल, जिसका तल्लक साहिवाल से है। उसको हमने शो किया, उसको हमने प्रमोट किया और वो आज पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने टैलेंट को शो कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर है। उसके बाद मंडी अहमदाबाद से वकार अहमद विक्की, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और उसके बाद बेशुमार क्रिकेटर्स को हमने प्रमोट किया है और वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इसी तरह हम क्रिकेट एकेडमी भी बना रहे हैं। आप जानते हैं कि हम बहुत जल्द आपकी दुआओं से, आपके तावन से और आपके प्यार के साथ और आपके तावन के साथ मिलकर हम क्रिकेट एकेडमी बना रहे हैं और इस क्रिकेट एकेडमी में हम बहुत से गरीब नौजवानों को हम प्रमोट करेंगे, बहुत से गरीब नौजवानों को हम फ्यूचर देंगे, वो फ्यूचर वो जिससे अपने घर वालों को अच्छा रोज़गार दे सकते हैं, अपने घर वालों का अच्छा रोज़गार बना सकते हैं। और मैं बहुत से क्रिकेटर्स तैयार करूंगा अपनी क्रिकेट एकेडमी से, पत्रस कल्याण इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी ये खुदा के फजल से बहुत जल्द बनेगी आपकी दुआओं से। और इस एकेडमी से मैं बहुत से नौजवानों को तैयार करूँगा और वो नौजवान अपने मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सका, कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स थी, कुछ घरेलू मसले मसाइल्स थे, वो हर क्रिकेटर के साथ चलते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ भी कुछ इस तरह का मामला हुआ जिसकी वजह से मैं अंडर 19 के बाद मैं परफॉर्म नहीं कर सका, उस तरह का अपने मुल्क को नहीं क्लिक कर सका। तो अंडर 19 मैंने खेली है बहावलपुर से, तो ये खुदा का शुक्र है कि मैंने क्रिकेट खेली है, अंडर 16 अंडर 19 मैंने सारी क्रिकेट खेली है। तो जब मुझे चांस मिला अच्छे लेवल की क्रिकेट के लिए, तो मुझसे वो चांस अवेल नहीं हो सका, तो जिसकी वजह से मैं नहीं क्लिक कर सका पाकिस्तान को। तो नाजरीन, बताने का मकसद ये है कि आप मेरे इस YouTube चैनल का साथ दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, ताकि हम बहुत जल्द गरीब नौजवानों के टैलेंट को शो करें और उनके लिए हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगाएं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करें, क्रिकेट एकेडमी बनाएं और उस क्रिकेट एकेडमी से बहुत से प्लेयरों को बहुत अच्छा रोज़गार दें, उनकी फैमिलियों को हम मिलकर सपोर्ट कर सकें और जो गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते उनको सपोर्ट कर सकें और जो गरीब लड़कियाँ शादी नहीं करवा सकती जहेज की वजह से, कुछ गरीब फैमिलियाँ होती हैं, हम उनको सपोर्ट कर सकें। क्योंकि मैं एक सच्चा सिपाही हूं अपने पाकिस्तान का, मेरे दिल के अंदर दर्द है, गरीब नौजवानों के लिए एक एहसास है कि मैं ये काम कर सकूं और खुदा जिस इंसान को जहां पर रखता है सही रखता है। तो मेरे लिए क्रिकेट शायद बेहतर ना थी, जिसकी वजह से मैं अपने मुल्क को क्लिक नहीं कर सका, मैं मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सका। और अब मैं खुदा के फजल से अब ये खिदमत कर रहा हूँ कि मैं अब अपने मुल्क की नुमाइंदगी करूँगा इसी तरह लोगों की खिदमत करके। नाजरीन, आपने अपनी दुआओं में मेरी इस क्रिकेट एकेडमी को याद रखना है और इसी तरह मेरा साथ देना है आपने। तो आप अपने दोस्तों को भी बोलें कि पत्रस कल्याण भाई का साथ दें, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम इसी तरह क्रिकेट एकेडमी बनाएं ताकि बहुत से नौजवान इस क्रिकेट एकेडमी से प्रमोट होकर पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम बनाएं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी क्रिकेट एकेडमी के अंदर दीनी तलीम भी होगी, दुनियावी तलीम भी होगी, जितने भी क्रिकेटर्स होंगे उनको दीनी तलीम भी दी जाएगी, दुनियावी तलीम भी दी जाएगी और नमाज की जो है वो ख़ास पाबंदी होगी, नमाज की ख़ास पाबंदी होगी क्रिकेट एकेडमी में। रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से तमाम मैचेस भी होंगे, उनके तमाम प्रैक्टिस सेशन भी होंगे और रात को मैचेस भी होंगे, रात के सेशन भी होंगे क्रिकेट एकेडमी के अंदर। फ्लाई लाइट हम क्रिकेट एकेडमी बना रहे हैं, लाइटें भी लगवाएंगे अपनी एकेडमी के अंदर। तो ये मैं अपने शायकीन के साथ शेयर कर रहा हूँ ये तमाम बातें, आपने भाई का साथ देना है और इस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं और KCT टेलीविज़न को आपने फॉलो करना है यूट्यूब पे, तो इसका साथ दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत से नौजवान
पत्रिस कल्याण की से क्रिकेट अकेडमी से प्रमोट हों और बहुत से क्रिकेटर्स शो हों। और मैं नौजवानों को मैसेज देना चाहता हूं, उनको गाइड करना चाहता हूं कि आप इतना हार्ड वर्क करने के बाद, इतनी मेहनत स्ट्रगल करने के बाद आप कामयाब क्यों नहीं होते, उसकी भी एक वजह है क्यों नहीं होते। हर इंसान परेशान है कि यार मैं इतना काम करता हूँ, दो दो तीन तीन ड्यूटियाँ करता हूँ, मेरा रोज़गार है वो सही तरीके से चल नहीं रहा, मेरे मामला सही तरीके से हल नहीं हो रहे, मेरे घर के अखराजात सही तरीके से पूरे नहीं हो रहे, उसकी भी एक वजह है। क्योंकि जब इंसान खुदा को याद करना भूल जाता है ना, नमाज पढ़ना भूल जाता है, खुदा की इबादत करना छोड़ जाता है, तो खुदा की इबादत करना हम छोड़ के हम टिकटॉक देखते हैं, हम स्नैक वीडियो देखते हैं और बहुत से हम फजूल काम करते हैं, उनमें अपना टाइम ज़ाया करते हैं, तो नमाज को हमने पीछे कर दिया है। जब नमाज को हमने पीछे कर दिया तो खुदा ने हमें भी पीछे कर दिया, हर एक काम से हमें भी खुदा ने पीछे कर दिया। तो मैं सब शायकीन को यही कहना चाहता हूँ जो पूरे वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले पहला दर्जा आप अपने खुदा को दें, उसके बाद आप अपनी मेहनत करें, जो भी आपका एम है, जो भी आपका मकसद है, उसके आप उसके ऊपर आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, ताकि खुदा आपको दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी कामयाब करें। तो नमाज को पहला दर्जा दें, उसके बाद किसी का भी हक ना रखें, कोशिश किया करें गुनाह ना करें। अब बात बात पर झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, किसी को भी आप कह देते हैं कि यार हाँ, उसके साथ मिलकर उसने कहा कि यार हाँ भाई ये बात इस तरह है, आप भी कह देते हैं हाँ जी ये बात इस तरह है, तो झूठी गवाही ना दें। तो उसके बाद झूठ ना बोलें, जो बात हाँ है उसको हाँ की जगह हाँ बोलें, जो ना है उसको ना की जगह ना बोलें। तो अगर आप ये करेंगे तो दुनिया की आप कोई भी चीज़ है वो हासिल करेंगे। कहा कहता है कि तू मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मीरास में कर दूंगा। तो खुदा से हमें मांगना ही नहीं आता, खुदा हमें आसमान के दरीचों को खोल के और ज़मीन के इंतहाई से हमारी मलकियत करेगा और हमें बरकत देगा। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजूदात किए हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर। मैंने खुदा से जो कुछ भी मांगा है आज तक खुदा ने मुझे दिया है। मैंने खुदा से क्रिकेट मांगी, खुदा ने मुझे क्रिकेट दी। खुदा से मैंने अपना एक दुनिया के अंदर नाम मांगा, खुदा ने मुझे एक नाम दिया। उसके बाद मैंने मैट्रिक करनी थी, 9th 10th मेरी कटी थी, खुदा से मैंने दुआ की कि खुदाया मेरी ये ख्वाहिश है ये मेरी पूरी कर दे, तो मैं तेरे नाम की दुआई दूंगा। तो मैंने मेहनत की है, खुदा ने मुझे उसका अजर दिया, खुदा ने किया है। 9th 10th मेरी एक साल के अंदर थी, वो कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने खुदा से कहा कि खुदा मेरा स्पोर्ट्स बेस पे कॉलेज के अंदर एडमिशन हो, तो स्पोर्ट्स बेस पे मेरा कॉलेज एडमिशन हुआ। एस्पायर कॉलेज में कैप्टन था पहले साल ही, और पहले साल ही मैंने कॉलेज के अंदर भी 3 सेंचुरियाँ की थी, तो वो भी मैंने खुदा से मांगा था। खुदाया मैं जितने भी मैचेस खेलूँ मैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, मैं सेंचुरियाँ करूँ, तो खुदा ने मुझसे वो भी करवाई। तो ये है कि मांगना आना चाहिए आपको, खुदा से मांगना आना चाहिए। तो मैंने ईमान के साथ खुदा से जो भी मांगा है वो खुदा ने मुझे दिया है। अब मेरा एक ही विजन है ज़िंदगी का, मेरा एक ही विजन है कि अब मैं खुदा से यही मांग रहा हूँ कि खुदाया मुझे पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे सरफराज कर, मुझे कामयाब कर, और मैं क्रिकेट अकेडमी जो बनाना चाहता हूँ वो मेरी जो ख्वाहिश है वो मेरी पूरी कर। तो ये खुदा के फजल से बहुत जल्द, ये आपकी दुआओं से ये बहुत जल्द मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, खुदा मुझे कामयाब करेगा। हम बहुत जल्द अपनी क्रिकेट अकेडमी बनाएंगे और उस क्रिकेट अकेडमी से हम नौजवानों को सपोर्ट करेंगे, जैसा कि हम पूरे एक साल से हम नौजवानों को प्रमोट कर रहे हैं, नौजवानों की सपोर्ट कर रहे हैं। और ये यूट्यूब चैनल आप तमाम नौजवानों का है, जिसके अंदर टैलेंट है वो इस चैनल पर आ सकता है। इसके अंदर कोई किसी किस्म की बात नहीं है कि यार इस चैनल के ऊपर कोई लड़का नहीं आ सकता, इस चैनल के ऊपर हर एक नौजवान आ सकता है, बासलाहियत क्रिकेटर आ सकता है, किसी के अंदर किसी भी गेम का टैलेंट है वो भी आ सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम हर एक नौजवान को प्रमोट करेंगे, खुदा के फजल से हम हर एक नौजवान को प्रमोट करेंगे, हमारी नीयत नेक है। कहते हैं कि नीयत नेक हो मंजिल आसान होती है, तो खुदा के फजल से मेरी नीयत नेक है, मैं नेक नीयत से काम कर रहा हूँ। अरे पूरा एक साल हो गया हम वर्क कर रहे हैं, नेक नीयत से वर्क कर रहे हैं। फैसलाबाद की कोई ऐसी ग्राउंड्स नहीं छोड़ी, कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं छोड़ा जहाँ पर जाके मैंने नौजवानों के टैलेंट को शो नहीं किया और नौजवानों के टैलेंट को तलाश नहीं किया। बहुत से नौजवान मैंने तलाश किए हैं
उनके टैलेंट को प्रमोट किया है। बस अब आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। आप तावन करें पत्रिस कल्याण के इस यूट्यूब चैनल के साथ तावन करें, तो बहुत जल्द हम जो हमारा मकसद है हम क्रिकेट अकेडमी बनाएंगे और बहुत जल्द आप सब मिलकर मेरी क्रिकेट अकेडमी के अंदर आप सब प्रैक्टिस करेंगे और आप सब मिलकर वहां पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए बहुत से क्रिकेटर्स को देखेंगे। तो उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो नाज़रीन, अगर जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो बंदा अच्छा काम कर रहा हो ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं टांगे खींचने वाले हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए। जो लोग भी अच्छा काम करते हैं मैंने उनको अप्रिशिएट किया है, उनकी सपोर्ट की है, उनकी हेल्प की है। आज तक मैं किसी बंदे से जेलस नहीं हुआ और मैंने हर बंदे को अप्रिशिएट किया। क्रिकेट भी इतनी खेली है, हर प्लेयर की रिस्पेक्ट की है, हर प्लेयर का साथ दिया है, हर प्लेयर से प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ पेश आए हैं और उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाया। तो उसकी यही वजह है कि हर एक इंसान हमसे प्यार करता है, हमारे अखलाक की वजह से हर एक इंसान हमारी रिस्पेक्ट करता है। KCG टेलीविज़न का साथ दें, इसकी वीडियो को वॉच करें, इसकी वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करें। लाइक हम इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में और आप जो होते हैं अगर लाइक नहीं करते वीडियो को, वीडियो वॉच करके उसको अगली वीडियो की तरफ चले जाते हैं, तो वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दुनिया में कामयाबी पाना चाहते हैं तो हर इंसान की रिस्पेक्ट करें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। तो अपनी जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपका एम है उसके ऊपर मेहनत करें ताकि आप अपनी मंजिल में कामयाब हो सकें। दुआ को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाएं, अगर दुआ आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होगी तो आप दुनिया के अंदर ज़रूर कामयाब होंगे। तो नाज़रीन, अपने खिदमत गुजार होस्ट पत्रिस मंजूर कल्याण को दीजिएगा इजाज़त, ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।